दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अजीबोगरीब खाने और उससे जुड़े कल्चर के बारे में बताऊंगा। इनमें से कुछ खाने इतने घिनौने हैं जिन्हें देखने के बाद शायद आपको उल्टी आ जाए, लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं जहां ऐसे खाने खाए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे बलूट के बारे में। अब आप ये सोचते होंगे कि आखिर ये क्या होता है, तो दोस्तों मैं यहां पे आपको बता दूं कि बलूट बतख के अंडे से बनता है। ये एक फर्टिलाइज्ड डक एग होता है। सबसे पहले बतख इस अंडे को 21 दिनों तक सेता है। फिर जब अंडे में से बच्चा निकलने का वक्त आता है तो उसे उबाल के खाया जाता है। इसी डिश को बलूट कहते हैं। इस डिश को फिलीपीन में बेहद पसंद किया जाता है। फिलीपीन के लोगों के मुताबिक इस अंडे में हाई प्रोटीन होता है जिसे खाने के बाद उन्हें बहुत ताकत मिलती है। अगर यहाँ के लोगों की माने तो इस अंडे में से बतख के बच्चे की आवाज भी आती है, लेकिन फिर भी ये लोग इस अंडे को उबाल के या फिर बिना उबाले भी खा लेते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कैसे इस अंडे में तक का बच्चा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है जापान में बेहद पसंद किए जाने वाला डिश सिराको। दोस्तों सिराको दरअसल मछली के स्पर्म से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मछली के स्पर्म से। जापान में इसे फ्राई करके या फिर चावल के साथ खाया जाता है। इसका टेस्ट मछली के मांस के जैसा होता है। ये डिश जापान में इतना फेमस है कि आपको किसी भी जापानी रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है मेढक का लेग पीस। ये डिश फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेहद पसंद किया जाता है। इस डिश को बनाने के लिए क्या किया जाता है वो बताने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये डिश भी बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे चिकन का लेग पीस बनता है। ये लेग पीस खास तौर पे पूर्वी फ्रांस में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि वहां हर साल 160 मिलियन फ्रॉग लेग पीस खाया जाता है। फ्रांस में खाए जाने वाले ज्यादातर मेढक इंडोनेशिया से मंगाए जाते हैं। दरअसल इंडोनेशिया में मेढक फार्मिंग की जाती है और वहाँ के लोगों का खास मकसद जापान में इन मेढकों को एक्सपोर्ट करना होता है। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है टूना आईबॉल। ये डिश जापान का बेहद पॉपुलर डिश है। इस डिश को बनाने के लिए टूना मछली के आंखों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अभी तक हम ये समझते थे कि सिर्फ चीन के लोग ही अजीबोगरीब खाना खाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जापान के लोग भी खाने के मामले में इन चीनियों से कम नहीं हैं। इस डिश को बनाने के लिए जापान में खास तरह के शेफ होते हैं, क्योंकि इसे बनाने के लिए इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आंखें बहुत ही ज्यादा न पक जाएं। अगर इसके टेस्ट की बात करें तो इसका स्वाद बोन मैरो जैसा होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कंबोडिया के बेहद पॉपुलर फूड स्पाइडर की। दोस्तों कंबोडिया में मकड़ियों को खाना बहुत ही आम बात है। ये शायद सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन ये सच है। कंबोडिया के बाजार में आपको लोग मकड़ी बेचते हुए दिख जाएंगे। इसे बनाने के लिए सब्जियों के साथ कुछ अदरक और नमक डाला जाता है। कंबोडिया के लोगों के अनुसार इसका टेस्ट मछली और चिकन के बीच का होता है। हालांकि कुछ लोग इसे फ्राई करके खाना पसंद करते हैं जिसका टेस्ट काफी क्रंची होता है। दोस्तों इस लिस्ट में पांचवें नंबर पे आता है लाल चींटी का मांस। दोस्तों अफ्रीका और इंडिया के कुछ हिस्सों में इसे खाया जाता है। इसे खाने वाले लोगों का मानना है कि इसमें काफी प्रोटीन होता है, साथ ही स्किन और आंखों की रोशनी के लिए काफी फायदेमंद होता है। कुछ लोग लाल चींटियों का लेप बना के अपने पूरे बदन पे लगाते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से स्किन को धूप से बचाया जा सकता है। वैसे इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि लाल चींटी बहुत बुरी तरीके से काटती है। दोस्तों अब चलते हैं अपने पड़ोसी देश चीन में। दोस्तों वैसे चीन के खाने के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। दोस्तों क्या आपको पता है कि चीन के लोग चिड़िया के घोंसले का सूप बना के पीते हैं? ये शायद सुनने में अटपटा लगता होगा, लेकिन ये चीन का एक घिनौना सच है। चीन के लोग इस सूप का इस्तेमाल पिछले 400 साल से कर रहे हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि चीन में मिलने वाले इस सूप की कीमत $100 से भी ज्यादा है, जिसकी भारतीय रुपए में कीमत 72 से 7300 रुपए होगी। इसकी इतनी ज्यादा कीमत होने की वजह ये है कि घोंसले की साफ सफाई करने में काफी वक्त लगता है। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पे आता है फ्राइड रेटल स्नैक। दोस्तों रेटल स्नैक यूएस में काफी पसंद किया जाता है। इसे ज्यादातर लोग शाम के नाश्ते में चाय के साथ खाते हैं। इसे खाने वाले लोगों का मानना है कि इसका टेस्ट पॉपकॉर्न चिकन के जैसा लगता है। वैसे दोस्तों इनमें से कौन सा खाना आपको सबसे घिनौना लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।